हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाऊँ नया वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास फायरफॉक्स का नाइट्रो डीएस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 26 इंच का एक साइकिल है। इसमें ये सादा साइकिल है, मतलब इसमें इस समय गियर नहीं लगा। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा नॉन गियर साइकिल है, ये सादा साइकिल है। आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें मैं अभी गियर लगाने वाला हूँ 7 स्पीड का। वो भी जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा सादा साइकिल है, सिंगल स्पीड साइकिल है। पावर ब्रेक इसमें लगा है फ्रेंड्स। तो आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि इसमें गियर किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से 7 स्पीड का गियर इंस्टॉल किया जाता है स्टूडियो में। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 7 स्पीड का गियर का किट है शिमानो का। वो भी सब पार्ट्स ओरिजिनल है फ्रेंड्स। आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, शिमानो का गियर है, शिमानो टूरनी TX। देख सकते हैं ये रेड डिरेलर है। इसी की मदद से आपका गियर चैन ऊपर नीचे उतरता है। ये नहीं रहेगा तो आपका गियर का मतलब ही नहीं है फ्रेंड्स। ये मेन पार्ट है सबसे ज़्यादा। अभी आप देख सकते हैं, ये डिरेलर हैंगर है। अगर ये आपके पास नहीं रहेगा तो फ्रेंड्स आप अपना गियर नहीं लगा पाएंगे साथ ही साइकिल में, क्योंकि जो आपका फ्रेम में ये माउंट है ना, ये इस तरह से माउंट होएगा और यहाँ पे आपका ये इस तरह से डिरेलर लगेगा, तब जाके आपका ये गियर लगता है, डिरेलर लगता है। तो आप देख सकते हैं, ये दोनों पार्ट मेन है। आप देख सकते हैं, ये वाला आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अभी आप देख सकते हैं, 7 स्पीड का शिमानो का EF500 शिफ्टर है। देख सकते हैं, ये इस तरह से ये शिफ्टर है। देख सकते हैं, ये 7 स्पीड का शिफ्टर हो गया फ्रेंड्स मेरे पास। और ये आप देख सकते हैं, 7 स्पीड का फ्री व्हील है। देख सकते हैं, फ्री व्हील एकदम अच्छा वाला 7 स्पीड का। देख सकते हैं, और अभी आप देख सकते हैं, ये गियर चेन है। कभी भी आप अपना जब गियर लगाएंगे 7 स्पीड का फ्री व्हील लगाएंगे, तो आपको पतला चेन लगाना पड़ सकता है। देख सकते हैं, ये कितना पतला चेन है। देख सकते हैं इस तरह का। अगर आप पतला चेन लगाएंगे तो जाके आपका गियर परफेक्ट तरीके से वर्किंग करेगा, नहीं तो आपका आवाज़ आएगा, कट 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 आवाज़ आएगा और स्मूथ वर्किंग नहीं करेगा। कभी भी गियर में गियर चेन ही लगाया जाता है, सादा चेन नहीं लगाया जाता। देख सकते हैं, ये गियर आउटर है और ये एक स्पोक प्रोटेक्टर है। ये भी मैं लगा दूंगा ताकि क्या स्पोक में मेरा डिरेलर ना जाए। तो अभी आपको मैं देख सकते सब मैं मैंने बता दिया किस तरह से कैसे क्या पार्ट्स है और कैसे लगने वाला है फ्रेंड्स। आपको मैं अब डिटेल्स में बताता हूँ किस तरह से इसको पूरा आपको इंस्टॉल करना है आपके साइकिल में। तो भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट ये रहेगा कि आपने चैन और फ्री व्हील को, सिंगल स्पीड को, फ्री व्हील को निकालना होगा। देख सकते हैं, ये मेरे में क्लिप है, तो मैं इस तरह से अगर इसको स्लाइड करूँगा तो आराम से मेरा क्लिप निकल जाता है और चैन अपना निकल आता है। अगर आपके पास ये क्लिप नहीं है इसके अंदर, तो आपको चैन टूल से इसको चैन को आपको ब्रेक करना होगा। तो आप वो कर लीजिएगा अपना। देख सकते हैं, ये मेरा क्लिप आराम से ये निकल आता है। देख सकते हैं, ये आराम से मेरा चैन लॉक निकल गया है। देख सकते हैं, इस तरह से चैन लॉक रहता है, तो ये क्या ये इसकी वजह से ही लॉक रहता है। तो भी आप देख सकते हैं, मेरा चैन निकल गया आराम से। देख सकते हैं, मैंने अपने चैन को निकाल लिया है सिंगल स्पीड के। अब इसको मेरे को ये फ्री व्हील है जो मेरा सिंगल स्पीड का, इसको निकालना होगा। इसको निकालने के लिए मैं पूरा व्हील निकालता हूँ, फिर ये निकलेगा। तो भी आप देख सकते हैं, जो आपका पावर ब्रेक का क्लिप है, आपको इसको इस तरह से निकाल देना होगा ताकि आपके जो व्हील आराम से निकल आएगा। अभी आप देख सकते हैं, मैं अपना व्हील निकाल लेता हूँ फटाफट। देख सकते हैं, मेरे में 15 mm का नट लगा है, तो मैं स्पैनर की मदद से खोल लेता हूँ इसको। अगर आपका क्विक रिलीज दिया रहेगा तो आप क्विक रिलीज से अपना व्हील को निकाल लीजिएगा पूरा बाहर। तो मैं अपना फ्री व्हील को निकालने के लिए फ्री व्हील टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई शॉप में भी जाके इसको निकलवा सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रू ड्राइवर से भी इसको ठोक ठोक के निकाल सकते हैं। देख सकते हैं, ये मेरा लूज हो गया है, मेरा फ्री व्हील भी निकल गया है सिंगल स्पीड का। अभी आप देख सकते हैं, जो मेरा एक्सेल है, ये सिंगल स्पीड के लिए एक्सेल को बनाया है, मतलब इसको उसका सेटिंग सिंगल स्पीड के जैसा है। अब मैं गियर लगा रहा हूँ 7 स्पीड का, इसमें फ्री व्हील लगेगा, तो मुझे ना ये गियर वाला एक्सेल का सेटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा फ्री व्हील अंदर रहेगा और ये चलेगा नहीं मेरा गियर। मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मेरा कोन है, इसको आपको इस तरह से कोन रेंच से पकड़ के, और ये जो एडजस्ट अपना 17 mm का ये जो नट है, जाम नट, इसको आपको लूज़ करना होगा इस तरह से। देख सकते हैं, मैंने ये लूज़ कर लिया है। इसको आपको पूरा बाहर निकाल लेना होगा। देख सकते हैं, मैंने जाम नट को निकाल लिया है। अब ये पैकिंग अब मैं डालूंगा। देख सकते हैं, ये एक कैप रहता है लोखंड का, आप देख सकते हैं, डाल दीजिएगा। अगर आपके पास ये नहीं रहेगा तो आप दो नट डाल दीजिएगा इस तरह का, इस तरह का बगैर ये वाटसन वाला सादा नट आप डाल दीजिएगा दो, तो आपका ये बाहर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जाम नट को इस तरह से इसमें डाल दूंगा।
देख सकते हैं ये हो गया है, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक्सेल का ये लेंथ है ये थोड़ा सा इसमें कम बता रहा है यहाँ से, और यहाँ से ज़्यादा बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर कर देता हूँ एक्सेल को, ताकि इधर से भी मुझे जाम नट को खोलना होगा, थोड़ा सा लूज करना होगा सिर्फ, ताकि मैं थोड़ा सा ये जो मेरा कोन है यहाँ का पीछे ले सकूँ। देख सकते हैं इसको थोड़ा सा मैं लूज करूँगा, यहाँ से तो मेरा लूज है ही है, यहाँ से मैं कोन को थोड़ा सा ये करूँगा, बाहर निकालूँगा और यहाँ से अंदर करूँगा। इस तरह से क्या मेरा सेंटर में आ जाएगा, और इधर भी मार्जिन रहेगा मेरे को नट को, 15 mm का जो नट है मेरा उसको भी इधर टाइट करना होगा। ऐसे थ्रेड था मेरा, मैंने पूरा कोन को लगा दिया है। अब देख सकते हैं ये मेरा गियर वाला एक्सल बन गया है। अब क्या करना होगा, इसको आपको जाम करना होगा, नहीं तो ये जो आपका बैरिंग है लूज होके गिर जाएगा। जाम करने के लिए बस सिंपल आपको एक कोन रेंच और एक 70 mm का स्पैनर से इस तरह से आपको जाम करना होगा दोनों को पकड़ के इस तरह से, ताकि अब ये नट अभी निकलेगा नहीं। दोनों साइड से कर देता हूँ मैं, देख सकते मेरा कंप्लीट हो गया है गियर एक्सल करके, और अपना फ्री व्हील निकाल के। तो मैं क्या करूँगा, सिंगल अपना जो 7 स्पीड का फ्री व्हील है उसको मैं इंस्टॉल कर दूंगा इस तरह से। देख सकते हैं मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया फ्री व्हील इंस्टॉल करके। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा इंच का बाहर है, तो ये बाहर रहेगा तो ये परफेक्ट तरीके से आपका गियर ऊपर नीचे चढ़ेगा। तो भी आप देख सकते हैं जो आपका नट है पीछे का उसको थोड़ा लूज़ करना होगा, और उसके बाद आपको थोड़ा गैपिंग बना के ये जो आपका ये डिरेलर हैंगर है आपको इसके गैप में इस तरह से आपको फंसाना होगा। देख सकते हैं ये जो इसका गैपिंग है और इसका फ्रेम का गैपिंग है दोनों इक्वल रहना चाहिए, ताकि आपके जो व्हील का एक्सल आराम से इसमें आराम से फंस जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखना चाहिए, ना ही ऐसा रहना चाहिए, तो क्या आपका व्हील का एक्सल इसमें अटकेगा। आपको बिल्कुल गैपिंग के हिसाब से इसको रख देना होगा। और एलएनकी का स्क्रू, इसको मैं टाइट कर दे रहा हूँ। अगर आपका स्क्रू अपना ये वाला है, अपना स्क्रू ड्राइवर वाला है, मतलब स्क्रू वाला है, तो आप स्क्रू ड्राइवर से उसको आप टाइट कर दीजिएगा। बस आपका टाइट रहना चाहिए इसमें अच्छे से। ये जो गैपिंग है पीछे से आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से गैपिंग में ये आराम से बैठा है। जो मेरे पीछे से नट था इसका, ये आराम से इसके गैपिंग में फंस गया और आराम से ये फिट हो गया है। इस तरह से आपको एकदम इक्वल करके रखना होगा, आगे पीछे नहीं करना है, बिल्कुल भी इसमें फिट हो जाना चाहिए। तो भी आप देख सकते हैं हैंगर लगाने के बाद आपको सीधा जो व्हील आपका है इसका अपने एक्सल फ्री व्हील सब मैंने सही कर दिया। अब इसको व्हील को लगा देना होगा आपके। तो भी आप देख सकते हैं अगर आपका एक्सल ना बढ़ाने के बाद तो ये अगर ना जाए, थोड़ा सा आपको स्क्रू ड्राइवर लेना होगा और इस तरह से थोड़ा सा इसको पका देना होगा। देख सकते हैं ये आराम से फिट हो गया है। देख सकते हैं इसका जो गैपिंग यहाँ तक आपका एक्सल आ जाएगा तो आराम से बैठ जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपका ये जो एक्सल है ना, अगर छोटा एक्सल दिया है तो आपको बड़ा एक्सल लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो गैपिंग मैंने रखा है पैकिंग इसके अंदर इतना बड़ा, ये आपका एक्सल में आराम से आ जाना चाहिए। और यहाँ पे आपको बाहर मार्जिन भी रहना चाहिए नट को लगाने के लिए, फिक्स करने के लिए व्हील के लिए। तो आप बड़ा एक्सल ही लगाइएगा जब अपना गियर लगाना है। तो देख सकते हैं ये जो व्हील है मेरा वन साइड चला गया, क्यों? क्योंकि जो मैंने फ्री व्हील लगाया यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे एक्सल का लेंथ बड़ा होगा, तो ये सीधा ना यहाँ पे गैपिंग बढ़ा देता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये सेट का मैं बिल्कुल भी यहाँ पे मेरा उंगली नहीं जा रहा है, और यहाँ पे ये आराम से चला जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जितने भी स्पोक्स है उसको लूज़ करूँगा और इसको टाइट करूँगा, तो गियर वाला मेरा जो रिम रहता है वो बनेगा, तब जाके मेरा गियर इसमें आराम से बैठेगा। तो आपको अगर गियर वाला रिम बनाने नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने एकदम अच्छे से एक वीडियो में बताया है किस तरह से गियर वाला रिम बनाया जाता है गियर के लिए। तो भी आप देख सकते हैं मैंने फ्री व्हील हैंगर सब कुछ लगा के व्हील जो मेरा है वन साइड मैंने अच्छे से कर दिया, सेंटर में कर दिया है। अब मैं अपना ये जो रेड डिरेलर है इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इसके अंदर। देख सकते हैं इस तरह से इसको बस माउंट करना है आपको, और ये आराम से इसके अंदर थ्रेड के अंदर टाइट हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से इसका ये काम होता है। अगर ये आप ये नहीं लगाएंगे तो ये आपका डिरेलर इसमें नहीं बैठेगा। बट एक इसके साथ हैंगर वाला भी आता है टीजेट करके, इसके अंदर ये भी लगा रहेगा और ये भी लगा रहेगा, तो उसको क्लॉ हैंगर वाला रेयर डिरेलर बोलते हैं। अगर वो अभी आप ले लेंगे तो भी आपका आराम से गियर लग जाएगा साथ ही साइकिल में। अभी डिरेलर लगने के बाद आपको चेन को इंस्टॉल कर देना होगा आपके गियर चेन को। बस सिंपल ये नीचे वाले पुली से आपको थ्रू करना होगा, और नीचे पुली वाले जो नीचे का गियर पुली है उसको इसमें से थ्रू करते हुए ऊपर लाना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने चेन को निकाल दिया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैंने 7 स्पीड पे रखा है चेन को, और अभी आगे मैं इसको अपने क्रैंक पे लगा के इस तरह से
सकते इस तरह से मैंने इसको इसके रिपीट में से थोड़ा सा फंसा दिया हूँ, तो देख सकते गियर कितना इस तरह से आ गया। तो इस तरह से गियर आपका रहना चाहिए कभी भी, ना ज़्यादा तना हुआ रहना चाहिए और भी ऐसा नहीं रहना चाहिए, और ना ज़्यादा स्क्वीज रहना चाहिए, चैन कभी भी एकदम परफेक्ट तरीके से गियर में रहना चाहिए। तो भी आप देख सकते हैं इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं इसमें इसको जोड़ देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप तो 114 लिंक या फिर 116 लिंक आप चैन अपना जोड़ दीजिएगा। होने के बाद कभी भी आप ज्वाइन करेंगे चैन को तो आपका चैन हार्ड हो जाएगा, तो हार्ड अगर हो जाएगा थोड़ा सा आपको इस तरह से ट्विस्ट करना होगा, ये फ्री हो जाता है, देख सकते हैं फ्री हो गया। इस तरह से आपको थोड़ा ट्विस्ट करते रहने का है जब तक फ्री ना हो, देख सकते हैं आपका एकदम रिपीट बाय रिपीट फ्री रहना चाहिए। ये हो गया, अब आपको सिर्फ चैन को आगे चढ़ा देना होगा वापस से। तो भी आप देख सकते हैं जो मेरा ब्रेक लीवर है इसको मैं निकाल के अपना 7 स्पीड का शिफ्टर लगा देता हूँ, देख सकते हैं ये वाला 7 स्पीड का शिफ्टर है, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। सबसे पहले ये अपना क्लिप को निकाल दीजिएगा इस तरह से, और फिर यहाँ से आपका ये वायर इस तरह से निकल जाता है, देख सकते हैं ये मेरा वायर का क्लिप निकल गया है। अभी मैं लीवर को खोल लेता हूँ, क्लिप को भी आपको निकाल लेना होगा, देख सकते दोनों ही चीज़ निकल गया है आराम से। अब सिंपल मैं अपना शिफ्टर को इंस्टॉल कर देता हूँ पहले इस तरह से, और फिर ये अपना ग्रिप को इसको टाइट कर देंगे पूरा अच्छे से। तो अभी आप देख सकते हैं गियर इनर है, इनर में कभी भी ऑलिंग करके ही आउटर को डालिएगा, करूँगा अपना इनर को या आउटर के अंदर डाल दूँगा सिंपल, देख सकते हैं यहाँ से आराम से एक आउटर मेरा लग गया है, देख सकते हैं। अगर आपको ये स्लॉट इस तरह से नहीं दिया रहेगा ना तो आप डायरेक्ट ही पूरा लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये स्लॉट से लेके ये स्लॉट तक मैंने एक आउटर को काट लिया है, सिंपल इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से मैं फंसा दूँगा इसके स्लॉट के अंदर, और ये वाला स्लॉट इसके अंदर मैं इस तरह से फंसा दूँगा, और इसको थोड़ा इस तरह से लगा देंगे, देख सकते हैं ये आराम से एक फ्लो में आराम से जा रहा है। यहाँ से चेक करेंगे शिफ्टर से, देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से ये वायर खींच रहा है मेरा। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक आउटर को काट लिया है, सिंपल ये भी मैं लगा दूंगा यहाँ से। अगर आपका बाय चांस ये सब स्लॉट नहीं दिया रहेगा ना तो आप सिंपल डायरेक्ट आउटर भी लगा सकते हो, जिप टाई से आपको जहाँ जहाँ ये केबल है आपका उसको आपको वहाँ से टाई कर लेना होगा बस। देख सकते हैं जो पिंच बोल्ट है डिरेलर का, इसके अंदर आपको वायर लगा के इस तरह से 9 नंबर पाने की मदद से इसको टाइट कर देना होगा। अगर आपको जानने का है किस तरह से डिरेलर का पूरा सेटिंग किया जाता है तो मैंने अलग से बहुत सारा वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अगर मैं इसमें ही बताने लगा तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबा बन जाएगा। ये आपको यहाँ पर टाइट करने के बाद इसको इस तरह से रोल करके आपको रख देना होगा, तो आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने परफेक्ट तरीके से गियर सेटिंग कर दिया है, अब मेरा गियर परफेक्ट तरीके से वर्किंग कर रहा है, तो मैं आपको शिफ्टिंग करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अभी मेरा 7 पे है, 6 पे आ गया, 5 पे आ गया, 4 पे आ गया, 3 पे आ गया, 2 पे आ गया, और ये 1st पे आ गया, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से वर्किंग करने लगा है अभी, देख सकते हैं नीचे भी उतर है आराम से। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से मेरा गियर लग गया है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा सेटिंग आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ से पूरा ये गियर वायर जाता है मेरा इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मेरा शिफ्टर है, देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैंने शिफ्टर को भी मैंने इंस्टॉल कर दिया है, व्हील भी एकदम परफेक्ट तरीके से सेंटर में है, और मेरा ब्रेक भी वर्किंग कर रहा है, देख सकते हैं अच्छे तरीके से मेरा ब्रेक भी ये वर्किंग कर रहा है। बस ये है कि आपका ये जो व्हील है व्हील हमेशा सेंटर में रहना चाहिए, जब अपना गियर लगाएंगे तो कभी भी आप अपना गियर वाला सेटिंग कर लीजिएगा, तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से मेरा गियर लग गया है।